नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। बिहार में अब नया समीकरण बनाने की तैयारी चल रही। ये समीकरण लालू यादव के एमबाई समीकरण की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक कदम आगे गणित पर काम किया जाएगा। तब यह समीकरण एमबाई प्लस पी, मुस्लिम प्लस यादव प्लस पासवान, जिस गणित को देखते हुए एलजेपी को तोड़कर एनडीए के जदयू और बीजेपी उत्साहित हैं, वही गणित बदला तो पूरा गेम बदल जाएगा। एलजेपी भले विधानसभा में हार गई हो, लेकिन उसके वोटर डिगे नहीं थे। चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई और एलजेपी को उतने ही वोट मिले थे जितने पहले मिलते रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 6% वोट हासिल किए थे। अगली खबर दोस्तों, बारिश के कारण मोतिहारी में गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। इसके कारण केसरिया स्थित 70 घाट पुल पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए डीएम सिरसत कपिल अशोक के आदेश के बाद अप्रोच रोड को दो जगह से काट दिया गया, साथ ही लोगों के आवागमन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इससे पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के बीच सड़क संपर्क टूट गया है और इससे लगभग 50 लाख की आबादी प्रभावित होगी। अगली खबर दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। कहा कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। नीतीश सरकार ने कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री का अलग और स्वास्थ्य विभाग का अलग। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा है कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। एक ट्वीट में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जागीर समझकर जल संसाधन विभाग के एक पूर्व जल संसाधन मंत्री और वर्तमान मंत्री के बीच अघोषित बंटवारा कर दिया है। साथ ही दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर युवा आरजेडी लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के सवाल पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए जिला प्रभारियों की को भी टास्क सौंपा जा रहा है। जिला प्रभारियों को अब तक यह टास्क भी दिया गया था कि हर महीने में 2 रात और 1 दिन जिला प्रभारी उस जिले में बिताएं और स्थानीय समस्याओं का निपटारा करें। इसके लिए जिले में मीटिंग भी करें और इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पार्टी के सीनियर लीडर ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही दोस्तों, बिहार में पहली बार 2 मरीजों में ब्लैक और व्हाइट फंगस एक साथ मिले हैं। दोनों संक्रमित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी से दोनों मरीजों के शरीर से फंगस को अलग कर दिया है। दोनों मरीज अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब संस्थान एक साथ ब्लैक एंड व्हाइट फंगस की स्टडी पर कार्य कर रही है। IGIMS के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि डॉक्टरों की टीम ब्लैक फंगस में काफ़ी बेहतर काम कर रही है। वहीं तो बिहार में बाबा रामदेव के खिलाफ आक्रोशित डॉक्टर शुक्रवार को सड़क पर उतरे। सुबह से ही इमरजेंसी सेवा छोड़ सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की OPD को बंद करवा दिया। PMCH में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह 8:30 बजे से ही मरीजों की भीड़ लग गई थी। 500 से अधिक मरीज रजिस्ट्रेशन कराने में पहुंचे, लेकिन IMA के डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद करवा दिया। इस दौरान मरीजों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी है और इस भीड़ में किसने संक्रमित किसको किया पता नहीं। हड़ताल करने वाले डॉक्टर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ रहे थे। अगली खबर तो सिवान में शहर के बीचों बीच स्थित एक बैंक की पिछले कई दिनों से रेकी कर रहे चोरों में से एक को टाइगर पुलिस ने शुक्रवार को धर दबोचा। दूसरा चोर फरार है और इस गिरोह पर सिवान पुलिस नजर रख रही थी। HDFC बैंक की शाखा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल गिरफ्तार चोर अपना नाम नहीं बता रहा और गिरोह के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दी है। और पुलिस ने बताया कि ये चोर एक गिरोह के हैं जो चोरी, छिनतई, पॉकेटमारी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वही तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके बुरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म वार्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में मोदी टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देश के नेताओं को शामिल किया गया था, लेकिन सबसे टॉप पे मोदी ही आए। साथ ही दोस्तों, बिहार में अब मॉल की ओपनिंग तभी होगी जब वहां काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में वैक्सीनेशन को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। मॉल खोलने के पहले सभी प्रबंधकों को अपने कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना होगा और इसके लिए उन्हें पूरी रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही अन्य दुकानदारों को लेकर भी नया आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक अब एक मुहिम के तहत
टीकाकरण किया जाएगा। इसमें रिक्शा चालकों से लेकर फुटपाथ दुकानदार भी शामिल होंगे। अगली खबर दोस्तों, नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेव गांव में चोरों ने घर का ताला तोड़कर 7 लाख रुपए की चोरी कर ली। घर के लोग शादी समारोह में गए हुए थे, मौका पाकर चोरों ने घर में सेंध मारी। पुलिस ने बताया कि घर में सभी लोग परिजन की शादी में बाहर गए हुए थे। शुक्रवार की सुबह लोगों को घर आना था, इसी दौरान चोरों ने घर की खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, फिर कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।